फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब यहाँ से कम्युनिटी बाजार की। कन्हन चाची, यहाँ से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो सबसे पहले कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि जीरा 19,000 के ऊपर टिका हुआ है, 19,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है NCDX वायदा बाजार पर। लेकिन जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वायदा कारोबारी हैं, उनका ये भी मानना है कि जीरे में अभी एक हेल्दी करेक्शन भी बनती नज़र आ सकती है। आपका क्या कहना है, क्या जीरे में अभी यूं ही तेजी बनती रहेगी या फिर यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन, यहाँ से एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिलेगी? देखिए, जीरा के ऊपर यदि हम फंडामेंटल देखें तो ये एक निर्विवाद सत्य है कि भारत जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सीरिया, टर्की, ईरान और के अंदर जरूर जीरे के उत्पादन है, लेकिन उनका उत्पादन इतना नहीं है जो कुछ उसके ऊपर विशेष जोर डाल सके। ईरान के अंदर भी कुछ जीरे का उत्पादन होता है और ईरान को, लेकिन जो टर्की, सीरिया, ईरान जो है, ये अपनी घरेलू जरूरत के अलावा कुछ ये बहुत मामूली सा ये निर्यात भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी निकल के आ रही है कि जीरे के ऊपर कुछ लोगों ने, भारतीय जीरे के ऊपर कुछ प्रतिबंध की भी सूचना मिल रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का अधिक उपयोग से उसके ऊपर ये समस्या शायद आ सकती है। चाइना के अंदर भी जीरे की डिमांड अच्छी आने की उम्मीद है, तो कुल मिला के मिक्स और मिश्रित फंडामेंटल बन रहे हैं। और जहां तक उपज का सवाल है, इस बार जैसे गुजरात के अंदर काफी कम पैदावार की सूचना है, जई क्षेत्र की कमी है, और जो निर्यात भी है वो भी पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हुआ है। तो ये था फंडामेंटल का एक नजरिया, जो कि हर कारोबारी को पता होना चाहिए कि यदि वो जीरे का व्यापार करता है। लेकिन इससे ऊपर यदि हटके चले, यदि हम कॉटन की तरफ देखें या सोयाबीन की तरफ देखें या और दूसरी एग्रोजींस की तरफ देखें कि पैदावार, देखिए सरसों आज से दो साल पहले लगभग 3500-3700 रुपए के आसपास की सरसों चलती थी जी। पैदावार भी बम्पर थी, उसके बावजूद भी सरसों ने 8000-9000 के भाव देखे। सोयाबीन के अंदर भी 119 लाख टन की सोयाबीन के उत्पादन की खबर थी, उसके बावजूद भी सोयाबीन नीचे जाने के बाद जबरदस्त ऊंचाइयां भी देखी। तो उत्पादन और डिमांड के साथ साथ में और दूसरी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। सरकारी नीतियां भी इसमें महत्वपूर्ण अपनी रोल अदा करती है, फिर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या आया है उस पर भी निर्भर करती है। और चूंकि अभी पूरा ग्लोबल विलेज माना जाता है, पहले आप सूचनाओं को आदान प्रदान नहीं हो पाते थे, लेकिन अब सूचना के आदान प्रदान हो रहे हैं, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जीरे ने अच्छी मूवमेंट दी है और अच्छी मूवमेंट आगे भी देने की संभावना बनेगी, लेकिन कुछ पॉज की कुमेक से इनकार नहीं किया जा सकता फरवरी के महीने में, तो इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जीरे के अंदर कुल मिला के फंडामेंटल मजबूत है और ऊपरी स्तरों पे आने वाले 10 से 12 15 दिन के अंदर कभी मुनाफा वसूली की भी संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।